क्रियांश के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज से हम डिसाइड किए हैं कि हर महीना के 16 तारीख को चैरिटी करेंगे हम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। जी मम्मी पापा तो चले गए, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा घर थोड़ा सा सूना हो गया। जब वो लोग थे तो घर में एक अलग सी रौनक थी, अलग सी चहल पहल थी। हमेशा बच्चे को लेकर के खिलाया करती थी तो कुछ ना कुछ आवाज जो है किसी न किसी रूम से आया करता था, जो की अभी शांत है तो इसलिए घर जो है काफी ज्यादा सूना लग रहा है। अभी बाबू जो है आराम से सोया हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वरना उठ जाएगा तो फिर तबाही मचेगा। बाबू के पापा को बहुत डर लगता है बाबू से। बिल्कुल अलग खौफ है इसका। और अभी इसको सरसों के तकिया पर सुलाए हैं, सोना नहीं चाहता है ये, तो जब ये सो गया तब दिया गया। देखिए अभी चेहरा कैसे बना रहा है। हमारी एक छोटी सी क्यूट सी फैन आई हुई है। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशी। प्रियांशी नाम है। और प्रियांशी देखिए बिंदी भी लगाती है। आपको बिंदी लगाना बहुत पसंद है ना? यार कितनी औसम है। कौन लगाया? मौसी। ये सब काम मौसी का ही होता है। मौसी बहुत मानते हैं इसको, बहुत ज्यादा। जब से शादी हुई है तो मौसी के पास कब जाओगी, मौसी पास कब जाओगी। और पता है सिल्वर प्ले बटन देख के बोलती है। अच्छा, ये फॉलोवर होते हैं ना उसको मिलता है। क्या मिलता है बाबू? हमको तो पता ही नहीं। बताओ। अच्छा वो किसको मिलता है बताओ, उसके बारे में बताओ। क्या बोलेगी बताओ, इधर देखिए बोलो, इधर ही देखिए बोलो। फॉलोवर होते हैं ना उसको गिफ्ट में मिलता है। हम बोले अच्छा लगा मिलकर। अच्छा लगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगा मिलके या फिर उनसे अच्छा लगा? दोनों से। हम पूछे क्या आपको ज्यादा पापा प्यार करते हैं मम्मी? दोनों करते हैं। बोले पिटती किससे हैं आप? तो पापा से तो कम, मम्मी से तो हर हमेशा पिटते हैं, पापा से पढ़ाई के टाइम पर। रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा, तुम अगर झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो। पापा देख लेंगे वीडियो। पापा कल पापा देख लेंगे तुम्हारे। पापा बोलेंगे कब तुम लोग चली गए वहाँ पे जो तुम लोग का वीडियो भी शूट हो गया। पापा सोए थे और हम लोग निकल गए। मेरी बहन गई इसलिए मतलब बहुत भावुक पल था। तब तक समझी से हम लोग आ गए, लगता है इसलिए समय मैनेज हो गया। The next day. जी आज बाबू का हो चुका है एक महीना। जी हाँ, बाबू ने जन्म लिया था 16 मई को और आज हो गया है 16 जून। तो बाबू का है आज फर्स्ट मंथ बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बाबू। हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू। अभी सोया हुआ है, सोने दो। थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। अभी यहाँ जो है बहुत मुश्किल से सोया है। अभी बाबू ने जो है कुछ नई नई शैतानी सीखी है। अब इसकी शैतानी क्या है? अच्छा आँख खोल के देख रहे हैं चुपके से। तो बाबू ने जो शैतानी सीखी है आजकल इसको क्या है, जब तक गोद में रहेगा तब तक सोएगा, गोद से जैसे नीचे डालेंगे रोना स्टार्ट कर देगा। अभी बहुत मुश्किल से इसको सुलाया गया है तो इसको सोने देते हैं। आप में से बहुत लोगों का मैं कमेंट भी देख रहा था, कमेंट में लगातार पूछे भी जा रहे हैं कि आप जो है भोज रखने वाले थे, फंक्शन रखने वाले थे, क्या हुआ? जी बात क्या हुई आपको बताता हूँ कि तबीयत हो गई हमारी खराब। हमारी तो तबीयत खराब हुई ही, जिया की भी तबीयत जो है कुछ सही थी नहीं। उसके बाद घर में जो मोनू था उसका भी तबीयत हो गया खराब। तो घर में इतने सारे लोगों का तबीयत खराब हो गया तब लगा कि अभी फंक्शन करना जो है सही नहीं है। तो हम लोग जो है फिर से कोई एक अच्छा दिन देख रहे हैं, कोई तो उस दिन फंक्शन किया जाएगा, लेकिन जरूर किया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर ढेर सारा आम जो है छिला हुआ है, ये सब आम का क्या करने वाली है दीदी? उसका चटनी बनाएंगे, गुड़ डाल। अच्छा गुड़ डाल के चटनी बनने वाला है। साथ में यहाँ पर बन चुका है जी आलू और करेला का भुजिया। दाल बना है। अच्छा दाल बना है, चावल बनेगा। मेरा मन है धीरे धीरे कुछ न कुछ सब्जी और बना लेंगे। तो सुनापन है असली, मन नहीं लगता है इससे ज्यादा, हम बोल ही नहीं पाएंगे अभी। इसकी कमी हमेशा खलती है क्योंकि अपना सगा को लोग भूल नहीं पाता है, उससे बढ़ के इस धरती पर कोई है भी नहीं। जाहिर सी बात है जी, घर में एक अलग ही चहल पहल था और अचानक से कोई चले जाए तो घर तो सोना लगता है ही। पहले तो ये कहना, परिवार ही सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला।
कोई भी परिवार का एक आदमी से बिछुड़ने के बाद अखड़ेगा तो जरूर। अभी जिया गई हुई स्नान करने के लिए और हम बैठे हुए हैं पहरा में, तो जैसे ही जिया आ जाएगी फिर जिया बैठेगी पहरा में, फिर हम चलेंगे स्नान करने। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इधर माँ जो है रसना पी रही है, रसना डर से तो पीते नहीं तो गला धर लेगा। अभी डैडी कोर्ट में है, तो चढ़ा करके जिया अपना स्नान करके आ चुकी है। अब बारी है जिया की पहरेदारी की और अब बारी है मेरे नहाने की, तो हम सीधा चलते हैं अब नहाने। हमारा भी नहाना हो गया जी और खाना भी साथ साथ हो गया, तो पेट पूजा हो गई। अब जो है लग रहा है शरीर में अच्छा खासा ताकत आ चुका है। तो आपको अपने बच्चे को लीजिए, तो पूरा रात जगाता है, पूरा दिन जगाता है, हम सोएंगे कब बताओ? पापा को परेशान। अच्छा अभी दिन में नहीं सो रहा है तो लगता है रात में सोएगा। हम कब सोए बताए, आप भी सो जाते हैं, आपका बच्चा भी सो जाता है, जगे रह जाते हैं हम। कैमरा देख रहे हैं। चलो आ जाओ, आजा मेरी गोद में आ जाओ। चलो तो अभी चल रहे हैं सीधा जी मार्केट। बाबू का जो है केक हमने ऑर्डर कर दिया था, वहाँ से जा करके केक उठा करके ले आते हैं। और भी कुछ सामान होगा जो भी जरूरत का लगेगा वह ले लेंगे। वहाँ पर निकल रहे हैं बाइक, तो जल्दी से बाइक निकल रहे चलेंगे। और उधर है बाबू जिया के साथ घूम रहा है, तो कुछ ऐसी ही लाइफ है अभी। फ्रूट केक दिया हुआ था, हाँ ऑर्डर दिया हुआ था। जिया सो रही है, मम्मी पापा सभी सो रहे हैं, मोनू सबका अपना क्लास चल रहा है और हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। तो किस ड्यूटी पर लगे हैं अभी आपको बताते हैं। हमारी ड्यूटी लगी है इसको खिलाने की। ये जो है आज सो भी नहीं रहा है, कितनी कोशिश कर ली सुलाने की लेकिन आज यह सोने का नाम ले नहीं रहा है। आज इसको बस ऐसे ही घूमते रहना है। अभी कुछ देर यहाँ पर है, फिर कुछ देर ही में शोर मचाने लगेगा, मुझे गोदी में लो, गोद में लेकर के घुमाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे थोड़ा रेस्ट कर लें कि बेड पर थोड़ा देर लेटा दे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड रहेगा बेड पर, फिर रोना स्टार्ट, फिर मुझे ले चलो घुमाने। तो ऐसा चल रहा है। जिया जो है बहुत देर तक इसको खिलाई, इसके जो दादा दादी हैं वह भी बहुत देर तक खिलाए। अब उसके बाद बारी है हमारी खिलाने की। बच्चा सो जा तो हम कर दें। यहाँ पर सारा अल्फाबेट तो फूल चुका है जी, इसके अलावा कुछ बलून में बाकी है और अब जो है इसको जल्दी से टांगते हैं। बाकी सभी लोग सोए हुए हैं तो जल्दी से यहाँ सारा अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद जो है तैयार करते हैं और फिर शुरू करते हैं सेलिब्रेशन का। एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। चलिए हमारे पोते को जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक। भगवान कृष्ण सोमा जन्मदिन में केक कटते रहे हमेशा और दादा दादी को उसको 50 को मिल चुके हम अपने टीके। दिक्कत है कि हमारा पोता को लेटिन लगे।
भैया जी, हमारा यहाँ सेलिब्रेशन एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन प्यारा सा सेलिब्रेशन था। एक बड़ा सा प्रोग्राम भी रखना है बाबू को लेकर के। बाबू वहाँ रो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पंखा को बंद कर दिया गया था, तो उसे जाहिर सी बात है जी गर्मी लग रही है। बाबू के बर्थडे पर हमने एक सोचा था कि बाबू का जन्मदिन आएगा, तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करेंगे जो हमारे दिल को बहुत ही सुकून दे। तो हमने सोच रखा था कि कहीं बाबू आएगा और भगवान ने उसे स्वस्थ रखा, तो हम जो है अपना जो इनकम है मेरा, अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज जो है हम वहाँ चैरिटी में डालेंगे। और चैरिटी के तौर पर जी कुछ भी हो सकता है, चाहे वह मंदिर में दे, चाहे किसी हॉस्पिटल में हम वहाँ दान करें, चाहे खुद से कुछ करें, तो वहाँ देखा जाएगा जी किस तरह से करना है। लेकिन अपने सैलरी का जो है कुछ परसेंटेज जो है अब से हम चैरिटी पे देंगे, और वह हमारे क्रियांश के नाम पर। क्रियांश के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज से हम डिसाइड किए हैं कि हर महीना के 16 तारीख को चैरिटी करेंगे हम। अपने इनकम का कुछ हिस्सा जो है दान में देंगे, और वह क्रियांश के नाम पर। बहुत खुशी की बात है, भगवान करे तुमको दिन दुना रात चौगुना दो और शुभ काम में देर किया। अच्छा। और उपकार का काम करने से धन का सबसे उत्तम गति दान। तो वही समझते वही तुमको अभी तक बता हो जाए कि यह इतना दान करे कि हर गरीब का कल्याण हो। आज हम लोग गए थे 2 बजे क्रियांश का बर्थडे केक लाने के लिए। हमको पता भी नहीं था कि आज बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। अचानक से मन कर गया कि सेलिब्रेट करना है। बच्चा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा ओकेजन आते रहेगा, सेलिब्रेट होते रहेगा। बच्चा को क्या मालूम कि सेलिब्रेशन भी हो रहा है। हाँ। लेकिन खुशी है, वो अभी अपनी दादी को खोज रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है वो, मतलब नहीं क्या हो रहा है। आज जो है पूरे दिन वहाँ सोया नहीं है, तो हो सकता है शायद दादी को अपना मिस कर रहा है। बाकी क्रियांश का फर्स्ट मंथ बर्थडे था, उम्मीद करते हैं ऐसा। अभी उसका एक फंक्शन बाकी है। अभी एक फंक्शन बाकी है, थोड़ा तुम अस्वस्थ है, हम बिजी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा, बहुत जल्दी होगा।